नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आगरा के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कार्यक्रम, 80,000 करोड़ की 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास, पीएम नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कृषि, आईटीआई और इलेक्ट्रॉनिक्स एमएसएमई क्षेत्र की परियोजनाएं, 107 से अधिक बड़े उद्योगपति कार्यक्रम में शामिल रहे। उत्तर प्रदेश में निवेश को लेकर एमओयू साइन किए गए। अडानी ग्रुप यूपी में 70,000 करोड़ का निवेश करेगा। पीएम मोदी के साथ सीएम योगी कार्यक्रम में रहे मौजूद। राजनाथ सिंह, ब्रजेश पाठक, नंद गोपाल नंदी रहे मौजूद। पीएम और सीएम ने उद्योगपतियों को संबोधित किया। उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए आभार जताया। देश की नामचीन बड़ी कंपनियां यूपी में निवेश करेंगी। इस कार्यक्रम का पूरा लाइव प्रसारण होटल हॉलीडे इन संजय पैलेस आगरा में किया गया, जिसमें केंद्रीय निधि मंत्री एसपी सिंह बघेल, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, आगरा मेयर नवीन जैन जी मौजूद रहे और आगरा के 11 उद्योगपतियों को सम्मानित भी किया गया। उत्तर प्रदेश के विकास के इतिहास में, इन्वेस्टमेंट के इतिहास में आज का दिन एक मील का पत्थर साबित होगा। थर्ड इन्वेस्टमेंट सबमिट जो आज लखनऊ में हुई है, ग्राउंड जीरो ब्रेकिंग जीरो जो आज सेरेमनी हुई है, उसमें माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने शिरकत की है, आशीर्वाद दिया है उत्तर प्रदेश को, जिसमें 100 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आए हैं और 80,224 करोड़ का इन्वेस्ट करने का उन्होंने मन बनाया है और 1400 से ऊपर परियोजनाओं का शिलान्यास आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हो रहा है। उत्तर प्रदेश जो जंगल राज के लिए जाना जाता था, जो डकैती और अपहरण के लिए जाना जाता था, जो ज़मीनों पर कब्जे के लिए जाक्षर का माहौल हो, ख़ास तौर से पावर 24 घंटे बिजली मिलती है और सबसे बड़ी बात है कि ये 14-15 इंस्पेक्टर जो परेशान किया करते थे, वो अब इंस्पेक्टर राज खत्म हुआ है। लोकल गुंडा भी उद्योगपति को हड़काया करता था कि आप ऐसे कैसे इन्वेस्ट कर लेंगे मुझे समझे बिना, तो आज ये लॉ एंड ऑर्डर का सुनयोग है और विकास का सुनयोग है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश पर विश्वास करते हुए, और इसीलिए जब एक मन की राष्ट्रीय पार्टी जब पूर्ण बहुमत की सरकार आती है तो लोग आते हैं, और जब खिचड़ी सरकार होती है तो लोग डरते हैं कि पता नहीं कब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए और कब उनका उद्योग जो है संकट में पड़ जाए। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत से इन्वेस्टर उनमें विश्वास करते हुए और मुख्यमंत्री में विश्वास करते हुए। हुआ उत्तर प्रदेश दिख रहा है कानून व्यवस्था की स्थिति में जो व्यापक सुधार हुए हैं, उससे उत्तर प्रदेश की वास्तविक ताकत देश के सामने आई है। उत्तर प्रदेश में बहुत ताकत है, यहाँ के युवाओं में बहुत ताकत है, यहाँ की भूमि में बहुत ताकत है और उस शक्ति का, उस योग्यता का, उस क्षमता का सदुपयोग पूरे देश के लिए हो सकता था, लेकिन कानून व्यवस्था की जो बिगड़ी हुई स्थिति थी, यहाँ राजनीति उद्योग था, यहाँ अपहरण डकैती उद्योग था, आज वो योगी सरकार में सब समाप्त हो चुका है। कानून व्यवस्था की स्थिति में जो सुधार हुआ है, उसी का परिणाम है कि देश भर के ही नहीं बल्कि हमारे दूसरे देश के भी व्यवसायी उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आ रहे हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश आने वाले समय में ऊंचाइयों को छुएगा और मेरा विश्वास है कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश उत्तर प्रदेश बनेगा।